नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वाइटनो। कला और संस्कृति, इतिहास और हमारी धरोहर, क्या इन्हीं विषयों को लेकर हम लगातार आपके बीच में आते रहते हैं। दमोह जिला, जिसका इतिहास कोई 100-200 वर्षों नहीं अपितु हजारों वर्ष प्राचीन बताया जाता है। 6वीं-7वीं शताब्दी की मूर्तियां मिलना इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इस दमोह का गौरवशाली इतिहास भी है और यहाँ कला और संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई है। आज हम रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में एक बार फिर आए हैं और एक विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं, उस पर हम करेंगे चर्चा। और विषय है नायिका, अर्थात मूर्तिकार ने एक पत्थर में किस प्रकार नायिका को गढ़ा है और ऐसा गढ़ा है कि लगता है मानो वह बोल पड़ेगी। आइए चलते हैं हम वहां पर जहां हैं वह मूर्तियां और चर्चा करेंगे यहां पुरातत्व वेत्ता डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया से। तो हम वहां नायिकाएं हैं, मूर्तियां हैं, जो ऐसा लगता है स्वयं बोल पड़ेगी। कलाकार ने लगातार प्रयास किया, मेहनत की और फिर पत्थरों में डाल दी है जान। किस प्रकार ये मूर्तियां हैं, मूर्तियों का महत्व क्या है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय के मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया से। चौरसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नायिका एक अलग विषय है, पत्थरों में वह कला करती लगती है मानो अभी बोल पड़ेगी। तो ये क्या महत्व है, किस प्रकार की स्थिति है, ये किसकी मूर्ति है और कलाकार की क्या कल्पना है? निस्संदेह आपने जिस विषय पर यह चर्चा प्रारंभ की, मुझे लगता है नारी सौंदर्य, सौंदर्य की प्रमुखता का एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु हो सकता है। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं का संग्रह है, सामान्य अंकन का भी यहाँ संग्रह है, लेकिन जो विषय आपने आज यहाँ इंगित किया है, यह नारी सौंदर्य के लिए प्रमुखता के साथ देखने का एक विषय है। हमारे इस संग्रहालय में नारी सौंदर्य से संदर्भ की अनेकानेक प्रतिमाएं मौजूद हैं, जिनमें उपासिकाएं, नायिका, अप्सरा, दर्पण में आती नायिका, इस तरह से विभिन्न महत्वपूर्ण अंकन हैं जो नारी और नारी सौंदर्य के लिए प्रमुखता से प्रकटीकरण कर सकती है। अब ये जो मूर्ति है जिसके सामने हम खड़े हुए हैं, इस मूर्ति में क्या खासियत है? एकदम बिल्कुल सुना है कि ये पुरातत्व संग्रहालय या दमोह जिले की एक अलग की प्रतिमा है, तो इसमें क्या खासियत है? इस प्रतिमा के संदर्भ की आप बात कर रहे हैं, इस संग्रहालय में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, ये मूल गर्भगृह में विराजित कोई भी एक देव प्रतिमा नहीं है। उसके अलावा भी सामान्य प्रतिमा प्रस्तर खंडों में यह जो नारी सौंदर्य की प्रधानता वाले प्रस्तर खंड हैं, जो प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं के विषय वस्तु को जानते हुए हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीनतम समय में शासक या राजा महाराजा अपनी प्रजा के पालन करने के उद्देश्य को लेकर उस प्रजा से कुछ ना कुछ काम लिया करता था। उसके कार्यकाल में प्रजा को कोई असुविधा ना हो, भूखी न मरे, इसलिए उनके खाने का, पीने का, पानी का प्रबंध, अनाज का प्रबंध, इस तरह से प्रबंध करना शासक का कार्य होता था। उस प्रजा से वह अपने मनगढ़ंत कुछ काम भी लिया करता था। इसी का एक बहुत अद्वितीय उदाहरण है बुंदेलखंड के खजुराहो में स्थित चंदेल शासकों के समय की विशाल मंदिर समूह, जो अपने कार्यकाल में लोग कारीगरों को काम दे दिया और उनके लालन पालन का प्रबंध राजा महाराजा करते रहे। यानी उनको भोजन दिया जाता था,
या जो सामग्री दी जाती थी उसके एवज में कुछ ना कुछ कार्य कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी कला को सामने लाके प्रस्तुत करवाना, उन कलाकारों को वो महत्व देना कि आप अपने मनगढ़ंत भी कुछ कुछ कहानियां गढ़ सकते हैं, विषय वस्तु आपकी मनगढ़ंत भी हो सकता है। उनको कला की जब छूट दी जाती थी कलाकारों को, तो मुझे लगता है कि यह बस्तर खंड जो कहानी कह रहा है, यह वह कहानी कह रहा है जो कलाकारों को कभी कला छूट की प्रधानता के साथ उनको जो अवसर मिलता था, तो कलाकार अपने मन से कुछ कुछ कहानी ऐसी गढ़ देता था। यह बस्तर खंड वह कहानी कहने का है। किस प्रकार की कहानी कहता है ये पत्र? ये जो आप बस्तर खंड देख रहे हैं, इसमें ये फीमेल आती है, वर्षों उम्र उम्र प्रतीत होना ये तय कराता है कि ये फीमेल आकृति है, स्त्री आकृति है। ये इसको हम नायिका या अप्सरा भी कह सकते हैं। यह नायिका या अप्सरा स्नान करके आई और अपने दोनों हाथों से केश राशि को संभालने का प्रयास भी कर रही है। यहाँ जो ये हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये हिस्सा भग्नावशेष अवस्था में टूट गया है, प्रतिमा में बहुत ज्यादा क्षरण भी हुआ है। बावजूद उसके यहाँ ये जो अंकन है, ये हंस की आकृति का अंकन यहाँ दिखलाया गया था। तो ये कहानी ये है कि ये नायिका या अप्सरा स्नान करके आई है और अपने दोनों हाथों से अपनी केश राशि को संभालने का प्रयास कर रही है, और इससे जो जलबिंदु गिरेंगे, हंस उसको मोती समझ के चुगने का प्रयास कर रहा है। ये कलाकार की कला अभिनय का परिचय है। अरे कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास है। पिछले समय हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा थे वो करते रहते थे, और इसीलिए ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उनको बेहतर मंच मिला और ये प्रस्तुतियां आज हम देख रहे हैं। इसीलिए जो इतिहास है वो सांस्कृतिक विरासत का समृद्ध इतिहास है। इस सामान्य कलाकृति को भी कितने करीने से सजाने का और पहनने का प्रयास कलाकारों ने किया। आइए हम यह मूर्ति कुछ अलग कहानी करती नजर आ रही है। दुर्गे जी इसमें एक अलग तरीके का ऊपर इसको सौंदर्य करने का प्रयास किया गया है, और ये मूर्ति जो सुरत सुंदरी, अरे आपके हिसाब से ये बताई गई है, मतलब जो पुरातत्व संग्रहालय में रखा, यह जो प्रतिमा या प्रस्तरखंड जो आप देखते हैं, इसको हम लोग सौर सुंदरी के नाम से अभिहित कर किए। यह प्रस्तरखंड भी आपको दमोह जिले के निकट दोनी नमक स्थान से प्राप्त है। इस प्रस्तरखंड पर आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ तो ये नारी सौंदर्य का कला का उकेरा गया है, लेकिन ऊपरी प्रस्तरखंड को देखिए आप, कलिंगदार नक्काशी के साथ भी इसको सुशोभित करने का प्रयत्न किया गया। यह प्रस्तरखंड जिस जगह भी लगाया गया होगा, उस जगह पर नारी सौंदर्य की प्रधानता के साथ उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया होगा। अब इस सुर सुंदरी का आशय ये है, ये नारी को जब लयपूर्वक मग्नता के साथ प्रदर्शित करने की बात आती है, तो उसके शारीरिक स्वरूपों को भी अंगों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे उन्नत पुरोज, उन्नत जंघाएं और दोनों पैरों की स्थितियां सुंदर विन्यास के साथ केश विन्यास का यह अंकन, ये इस तरह से नारी सौंदर्य के को दिखाना यह तय कराता है कि नारी सौंदर्य की प्राचीनतम कला में एक प्रमुखता के साथ कार्य करने का एक ऐसा विधान रहा है जिसमें नारी सौंदर्य को भी प्रमुखता से दिखाने का प्रयत्न किया गया है। एक और मूर्ति यहाँ पर ही इसको नायिका का नाम दिया गया है। नायिका जो मूर्ति है और काफी सुंदर मूर्ति दिखलाई दे रही है, काफी बारीक कलाकारी इसमें दिखलाई दे रही है, और ये नायिका से क्या तात्पर्य हो और कलाकार में इसमें विशेष रूप से क्या बात है? यह भी प्रस्तरखंड हमको सोनी से प्राप्त है। नारी सौंदर्य की प्रधानता के साथ यह प्रस्तरखंड भी अपनी कहानी अलग से कह रहा है। पैरों की भावभंगिमा देखिए आप, यह सीधा स्थिति में है, दूसरा पैर अपनी मोचकता के साथ मुड़े हुए अवस्था में, कमनीय काया का प्रतिनिधित्व करती हुई ये अवस्था है। कमर देखिए आप कितने
पतला अवस्था बने गए, उन्नत उरुज जी। लेकिन इनके श्रृंगार का विषय वस्तु देखिए आप, हाँ, कितनी बार ये हाथों में देखिए, ये गले में देखिए, ये कानों में देखिए, ये नारी सौंदर्य को प्रधानता के साथ त्रिभंग अवस्था में इस प्रतिमा को दिखाया जाना, पैर से लेके कंधे तक का हिस्सा, कमर तक का हिस्सा उस तरफ झुका हुआ है, कमर से लेके कंधे तक का हिस्सा इस तरफ झुका हुआ है, हल्की सी गर्दन उस तरफ झुकी हुई है, ये नारी सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रस्तर खंड है। आइए एक और मूर्ति है इस संग्रहालय में जिसकी विशेषता अलग कुछ बताई जाती है, दर्पण को निहार रही कोई नायिका है, स्त्री है, सुंदरी है, किस प्रकार की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हो? यह प्रतिमा भी प्रतिमा प्रस्तरखंड, ये चतुष्कोणीय प्रस्तरखंड है, इसमें चारों तरफ नक्काशी की गई। हाँ, देखिए आप, ये किसी देवालय में उस जगह पे लगाया गया होगा ना, ये बीचों बीच वाला इसी भी इसमें आप चारों तरफ नक्काशी की गई, लेकिन इसके चारों तरफ में से एक तरफ यह जो आप अंकन देख रहे हैं, यह भी एक नारी सौंदर्य का बहुत प्रमुख विषय बिंदु हो सकता है। ये दर्पण को निहारती हुई नायिका, ये दर्पण है, ये दर्पण है और दर्पण की तरफ इसका चेहरा है, दर्पण को निहारती हुई नायिका है, यह भी नारी सौंदर्य का प्रमुखता से लिया जाने वाला विषय ऐसा हो सकता है कि नारी सौंदर्य का भी ऐसा विषय उस जमाने में कलाकारों ने करने का प्रयत्न किया। एक और कुछ और मूर्ति, एक अलग विषय, कृत वासना और अलग तरीके से कलाकार की परिकल्पना और पत्थर पर होती है, कहाँ से प्राप्त हुई है और क्या विशेषता है? यह भी प्रस्तरखंड को धोनी से ही प्राप्त है, धोनी चूंकि वैभवशाली सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का स्थान दमोह से लेकर आ रहा है, वहां पर इस तरह से प्रस्तरखंडों की बाहुलता भी नहीं है, उन्हीं में से एक यह भी नारी सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाला प्रस्तरखंड है। इसमें आप देख रहे हैं ये स्खलित वसना, इसको नाम दिया गया है, स्खलित वसना का आशय यह वक्ष उम्र हुए प्रतीतों में यह तय कराता है कि यह नारी स्त्री आकृति है। अब इसमें आप यह जो आकृति देख रहे होंगे ये बंदर बना, बंदर की अंकन यहाँ पर दिखाया गया है, यह नारी प्रतिमा में ये दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि ये मदहोश अवस्था में और बंदर इसके साथ चालाकियां करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। ये देखिए आप, इसका बंदर का ये जो हाथ है ये वस्त्र को खींचने का प्रयत्न कर रहा है और ये नायिका के हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ संभालने का, खींचने का ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। ये बंदर की चालाकियां यहाँ स्पष्ट रूप से बंदर की आकृति के साथ ये प्रस्तुतिकरण इसका दिख रहा है और यह भी अपने आप में नारी सौंदर्य को प्रधानता के साथ कहने मूर्ति को देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें चारों पूरे ब्लैक को यानी पत्थर को चारों तरफ से तराशा गया है, सौंदर्य का ये प्रतीक दिखलाई देता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां इसमें बनाई गई, कलाकार ने इसमें कला को पूर्ण रूप से अपनी कला के गुण है उसको डालने का उसका प्रयास किया है इसमें, और एक मूर्ति है इस तरह एक विशेष मूर्ति जो नायिका की मूर्ति है, नारी के सौंदर्य को दर्शाने वाली ये मूर्ति है, लेकिन अन्य मूर्तियों से अलग इसलिए बता जाती है क्योंकि ये चारों तरफ से एक पिलर है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे डॉक्टर जोर से कि ये मूर्ति है इसमें क्या विशेषता है और ये कहाँ से ये प्राप्त हुई है क्या? यह चतुष्कोणीय प्रस्तरखंड को धोनी नामक स्थान से ही प्राप्त है, यह वह स्तंभ खंड है जिसमें चारों तरफ नक्काशी अलंकरण का कार्य किया गया है, चारों तरफ में से एक तरफ नारी सौंदर्य को प्रधानता देते हुए यहाँ पर नारी सौंदर्यता का प्रतीक नायिका का भी वर्णन चित्रण उकेरापन यहाँ पर दिखाया गया है। यह भी देखिए आप, नायिका का खड़े होने की जो मुद्रा है
एक पांव ये मोड़े हुए है, दूसरा पांव सीधी, दूसरा पैर सीधी स्थिति में, उन्नत पुरोज और यह जो गर्दन की स्थिति है लयबद्ध मुद्रा में, मतलब आनंददायक मुद्रा में यहां दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रस्तर खंड में और अन्य जगह पर ये देखिए आप, ये मंगल कलश का, ये मंगल कलश का यहां अंकन दिखाया गया है। इसकी तीन तरफ देखिए आप लगातार, ये मंगल कलश का अंकन है, ये इस तरफ भी देखिए आप, ये भी मंगल कलश का अंकन है। मंगल कलश के अलावा बेल बूटे पत्तियों का चित्रण इस प्रस्तरखंड पर किया गया है। लेकिन इस प्रस्तरखंड का मूल जो विषय है वो नारी सौंदर्य को प्रतीकात्मक रूप से वो बताने का प्रयास किया गया है। स्वर सुंदरी नाम थोड़ा हटके क्या विशेषता है उनका भाषण मिली है? यह भी ध्वनि से ही प्राप्त प्रस्तरखंड है, इसमें मूर्त है, जैसे कि अभी दूसरी प्रतिमा को वर्णन किया था वो ऋषि से प्राप्त है, लेकिन यह प्रतिमा ध्वनि से प्राप्त है। इसमें भी नारी सौंदर्य को प्रधानता के साथ दिखाने का जो प्रयत्न किया है, इसमें देखिए आप यदि बारीकी से देख पाने का प्रयत्न कर पा रहे हैं, यह जो धारियां हैं, यह जो रेखाएं हैं, वस्त्र को दर्पण, ये वस्त्र विन्यास का चित्रण करते हुए तय करा दिया। ये कंधे से देखिए, ये वस्त्र इस तरह से लहराते हुए, ये इस तरह से ऐसे ये लहराते हुए, ये वस्त्र विन्यास का चित्रण है। ये देखिए ग्रे बेक, केश विन्यास कुछ विशेष अवस्था में, उन्नत रोज इस प्रतिमा की रोचकता मादकता अपने आप में नारी सौंदर्य को प्रधानता के साथ दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जिनसे हमने की चर्चा नारी सौंदर्य के विषय को लेकर दम्भों में, जहाँ अनेक प्रकार की प्रतिमाएं हैं वहाँ नारी सौंदर्य को भी प्रदर्शित करती हुई प्रतिमाएं यहाँ पर रखी गई हैं। गौरवशाली दम्भों का इतिहास हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आइए रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में रखी हुई उन पाषाण प्रतिमाओं को देखिए और गौरवशाली इतिहास के बारे में भी अपने आप को गौरव अनुभव करिए कि देखिए किस प्रकार का हमारे यहाँ की संस्कृति थी, हमारा इतिहास है और यहाँ की कला और संस्कृति है। आने वाले समय में हम एक नए विषय पर आपसे करेंगे चर्चा, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।